हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं MP GK स्पेशल क्लासेस में MP के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि MP सरकार की किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो MP पुलिस एग्जाम 2021 और MPPSC एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी जनजाति अपने को सबरी से संबंधित बताती है? पूछा गया आपको, कौन सी जनजाति अपने को सबरी से संबंधित बताती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति। कोल जनजाति अपने को सबरी से संबंधित बताती है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल। इस जनजाति का उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक दो, पातालकोट की भारिया जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे, पातालकोट की भारिया जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, छिंदवाड़ा। पातालकोट की भारिया जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, यह छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है। इनको भूमिया भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। यह जनजाति भरनौती बोली बोलती है। भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक तीन, लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? पूछा गया आपसे, लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अगरिया। लोहासुर अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता है। सर्वप्रथम अगरिया जनजाति द्वारा ही लोहे की खोज की गई थी। यह जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है। इनके प्रमुख देवता है लोहासुर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक चार, किस जनजाति के देवता का निवास स्थान धधकती बट्टी को माना जाता है? पूछा गया आपसे, किस जनजाति के देवता का निवास स्थान धधकती भट्टी को माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर चार, अगरिया। अगरिया जनजाति के देवता का निवास स्थान धधकती भट्टियों को माना जाता है। यह जनजाति स्वयं को लोहार भी कहती है और इनके जो प्रमुख देवता है वह लोहासुर होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक पांच, कोल जनजाति की उपजातियां हैं। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कोल जनजाति की उपजातियां कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। रोतिया और रोतले दोनों ही कोल जनजाति की उपजातियां है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी 22 उपशाखाएं हैं। कोल जनजाति की प्रमुख उपजातियां रोतिया, रोतले, भरतिया, दसोरा, मरनहा, कराबारिया, बवासी, ठाकुरिया तथा बिंजे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक छः, भारिया की उपजाति है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी उपजाति भारिया जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, उपरोक्त सभी। भूमिया, भुईधर और पेंडो, ये सारी की सारी उपजातियां भारिया जनजाति से संबंधित है। भारिया शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञान का अभाव होता है। यह जनजाति भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इन्हें भारिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक सात, पारधी किस भाषा का शब्द है? पूछा गया आपसे, पारधी किस भाषा का शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा का। पारधी मराठी भाषा का शब्द है। यह एक आखेटक जनजाति होती है जो वन्य पशुओं का शिकार करने में अत्यंत कुशल होती है, परंतु महिलाओं को शिकार करने की अनुमति नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक आठ, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? पूछा गया आपसे, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चार, बंदोरिया। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू बंदोरिया कहलाते हैं। कोरकू जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है। कोरकू जनजाति मुंडा या कोलरियन जनजाति की एक शाखा है जो राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक नौ, बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी क्या कहलाते हैं? पूछा गया आपसे, बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बावरिया। बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी बावरिया कहलाते हैं। कोरकू जनजाति के लोग मुख्यतः चटकोरा, खम्ब और स्वांग जो कि एक नाटक नृत्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, कोरकू जनजाति का कौन सा वर्ग आपराधिक घोतक है? पूछा गया आपसे,
कोरकू जनजाति का कौन सा वर्ग आपराधिक घोतक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मोबासी। कोरकू जनजाति का मोबासी वर्ग आपराधिक घोतक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, नर्मदा माई की पूजा कौन सी जनजाति करती है? पूछा गया आपसे नर्मदा माई की पूजा कौन सी जनजाति करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बेगा जनजाति। बेगा जनजाति नर्मदा माई की पूजा करती है। बेगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित, इसलिए इन्हें पंडा भी कहा जाता है। बेगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक उपशाखा है। इस जनजाति के गांव को पूर्व कहते हैं। इनमें हल चलाना वर्जित होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, थापटी नाच किस लोकप्रिय नृत्य है? आपसे पूछा गया है थापटी नाच किसका लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कोरकू। थापटी नाच कोरकू जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, मृतकों की स्मृति में लकड़ी का स्तंभ कौन सी जनजाति गाड़ती है? पूछा गया आपसे मृतकों की स्मृति में लकड़ी का स्तंभ कौन सी जनजाति गाड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए कोरकू जनजाति। यह जनजाति मृतक को दफनाती है तथा उसकी स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण करती है, जिसे सिडोली प्रथा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, लमझना प्रथा का संबंध किससे है? पूछा गया आपसे लमझना प्रथा का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी विवाह से। लमझना प्रथा का संबंध विवाह से है। लमझना विवाह का संबंध कोरकू जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, किस जनजाति के गांव को पाल कहा जाता है? पूछा गया आपसे किस जनजाति के गांव को पाल कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भील। भील जनजाति के गांव को पाल कहा जाता है। भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिल्ल से मानी जाती है। धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें भील कहा गया है। यह जनजाति सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और यह जनजाति भीली भाषा बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, कौन सी जनजाति की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है? पूछा गया आपसे कौन सी जनजाति की मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बिंझावीर। बिंझावर जनजाति की मातृभाषा छत्तीसगढ़ है। विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी होने के कारण इस जनजाति का नाम बिंझावर पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, धानुक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के धानुक से हुई है? पूछा गया आपसे धानुक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के धानुष्क से हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा के। धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के धानुष्क से हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, गोंड सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? पूछा गया आपसे गोंड सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए बैतूल में। गोंड सामुदायिक रेडियो केंद्र बैतूल में प्रस्तावित है। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक शहर है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुलताई से हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, बेगा सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रस्तावित है? पूछा गया आपसे बेगा सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ प्रस्तावित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। बेगा सामुदायिक रेडियो केंद्र चाड़ा और बेहर दोनों में ही प्रस्तावित है। बेगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक उपशाखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, भारियाओं की बोली है, चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है भारिया जनजाति की बोली कौन सी होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भरनौती। भारियाओं की बोली है भरनौती। यह जनजाति भरनौती बोली बोलती है। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, मध्य प्रदेश में 2011 में अनुसूचित जाति और जनजाति का संयुक्त प्रतिशत कितना है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति का संयुक्त प्रतिशत कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी 36.70। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति का संयुक्त प्रतिशत 36.70% है। मध्य प्रदेश में कुल 48 अनुसूचित जातियां तथा 43 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22,
राज्य में कितनी जनजातियों विशेष पिछड़ी रूप से घोषित किया गया है? पूछा गया आपसे राज्य में कितनी जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी घोषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 3 जनजातियों को। राज्य में 3 जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत सरकार द्वारा 3 जनजातियों बेगा, भारिया और सहरिया को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उराव जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? पूछा गया आपसे कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020-2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपरों के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? पूछा गया आपसे कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बेगा जनजाति से। कर्मा नृत्य का संबंध बेगा जनजाति से है। बेगा इसके अतिरिक्त रीना, परधोनी, सुआ, सेला, दशहरा तथा ददरिया नृत्य भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, घोटुल पाटा नामक प्रतियोगी किस जनजाति से संबंधित है? पूछा गया आपसे घोटुल पाटा नामक प्रतियोगी किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, मुड़िया जनजाति से। घोटुल पाटा नामक प्रतियोगी मुड़िया जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी जनजाति उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अगरिया। अगरिया जनजाति उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अगरिया जनजाति विवाह में उड़द दाल का प्रयोग शुभ मानती है। यह मांसाहारी होते हैं जो मुख्यतः सुअर का मांस खाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी बहेलिया श्रेणी की जनजाति है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पारधी। पारधी बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, गुना, सीहोर जिलों में निवास करती है। यह एक आखेटक जनजाति है जो कि मुख्यतः शिकार का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, कौन सी जनजाति पातालकोट में आदिम युगीन जीवन बिता रही है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी जनजाति पातालकोट में आदिम युगीन जीवन बिता रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति पातालकोट में आदिम युगीन जीवन बिता रही है। वर्ष 1981 की जनगणना में पातालकोट में भारिया जनजाति को जंगलियों के भी जंगली कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, खेर माता किस जनजाति की ग्राम्य देवी है? पूछा गया आपसे खेर माता किस जनजाति की ग्राम्य देवी है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गोंड। खेर माता गोंड जनजाति की ग्राम्य देवी है। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिसके मुख्य भाषा गोंडी तथा डोरली है। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है।